मूवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन कैरेक्टर एमा ये जंगल में जा रही थी। वहां पर जाकर वो नीचे गिर जाती है। हुआ क्या था ये हमें मूवी में पता चलेगा। ये हमारा टाइम 1800s का है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एमा एक लेडी स्कूल में थी। वहां पर बहुत स्ट्रिक्ट एजुकेशन दिया जाता था। रूल्स फॉलो करना उसे अच्छा नहीं लगता। किस तरीके से अच्छी वाइफ बना जाए यह हमेशा उन्हें सिखाया जाता था। अब एमा को पता चलता है कि उसके फादर ने उसकी शादी फिक्स कर दी है। वो चर्च में जाकर गॉड से कहती है कि जो मेरा हस्बैंड होगा प्लीज उसे बहुत अच्छा होने देना। उसे घर लाया जाता है, उसे रेडी किया गया और फर्स्ट टाइम डायरेक्ट वेडिंग के वक्त ही उसने अपने हस्बैंड को देखा। उसके हस्बैंड का नाम था चार्ल्स और दिखने में भी वो बहुत ही अच्छा था। उसे देखकर बहुत अच्छा लगता है। उनकी वेडिंग हुई और सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। लंच के वक्त एमा के फादर ने कहा कि बचपन में जब तुम्हारी मदर की डेथ हो गई थी तुम्हें किस तरीके से बड़ा करना है ये मुझे पता नहीं था। अब जब तुम अच्छे से बड़ी हो गए और एक डॉक्टर के साथ मैंने तुम्हारी शादी कर दी तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। एमा की मदर की वेडिंग में उसे जो फेवरेट गिफ्ट मिला था यही फादर अब एमा को दे देते हैं। एमा देखकर इमोशनल हो गई थी। सारे सेलिब्रेशंस हो जाने के बाद चार्ल्स के साथ वो उसके घर पर चली जाती है। चार्ल्स का एक बहुत बड़ा घर था और वहां पर काम के लिए सर्वेंट्स भी थे और एमा जरा नर्वस थी। चार्ल्स कहता है कि ये सब चीजें नेचुरल है और इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह चार्ल्स बहुत जल्दी उठ गया। एमा उसे कहती है कि प्लीज आज मेरे साथ रुक जाओ। चार्ल्स कहता है कि मेरी पेशेंट्स को तकलीफ हो रही होगी, डॉक्टर को कभी भी आराम नहीं मिल सकता। एमा कहती कि तुम अब एक हस्बैंड भी हो। चार्ल्स उसे कहता है कि सिर्फ इवनिंग में मैं तुम्हारा हस्बैंड रहूंगा। लोगों को हेल्प करना है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। एमा ने अपने वेडिंग प्रेजेंट्स देखे और घर को सजाना स्टार्ट किया। घर की अलग अलग चीजें देखती है और उसे जरा बोर हो रहा था तो रात में उसने बहुत ही अच्छा सा खाना पकाया। चार्ल्स ये सब देखकर उसे कहता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी, हमारी सर्वेंट्स है जो ये सब कर सकती है। एमा चार्ल्स को उसके दिन के बारे में पूछती है पर चार्ल्स उसे अपने सब पेशेंट्स के बारे में बता रहा था। एक दिन उसे मिलने के लिए एक सेलर आया जिसका नाम था हेरोक्स। इस टाउन में अच्छे अच्छे शॉप्स नहीं थे तो हेरोक्स सिटी में जाकर वहां से ब्यूटीफुल सी चीजें लेकर आता था। यही चीजें दिखाने के लिए एमा के पास आया हुआ था। वो उसे कहता है कि अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं आपके लिए लाकर दे सकता हूँ। चार्ल्स मेरा एक बहुत ही अच्छा कस्टमर है, अगर उसे नॉवेल चाहिए, चॉकलेट चाहिए, अच्छी अच्छी चीजें सिटी से लानी हो तो सब कुछ उसे लाकर दे सकता है। वो उसे इयररिंग्स दिखाता है जो एमा को बहुत अच्छी लगी। एमा कहती है कि मैं चार्ल्स से पूछे बिना कुछ भी बाय नहीं कर सकती। चार्ल्स कंटिन्यूसली उसे चीजें दिखाने लग गया। उसे एक शॉल दिखाता है जिस पर गोल्डन डिजाइन थी जो उसे बहुत अच्छी लगती है। एमा के पास पैसे नहीं थे तो उसे मना कर देती है। हेरोक्स ने कहा कि मैं तुम्हें क्रेडिट पर दे सकता हूँ, चार्ल्स एक अच्छा डॉक्टर है और वो कभी भी मेरे पैसे नहीं डुबाएगा। एक दिन चार्ल्स एमा को पूरा टाउन घुमाता है। कुछ लेडीज रिवर के पास कपड़े धो रही थी पर चार्ल्स एमा को इन सब चीजों से दूर रखना चाहता है। रात में चार्ल्स अपने टाउन के सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों की पार्टी में लेकर गया। वहां पर टाउन के ऑफिस में काम करने वाला एक क्लार्क था जिसका नाम था लियोन। लियोन को ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता था। वो कहाँ कहाँ जाकर आया इस सब के बारे में बताने लग गया। एमा को ये चीजें सुनना बहुत अच्छा लगता है। उसके बॉस ने कहा कि लियोन तो अपने हार्ट से एक पोएट है, सिर्फ उसे यहाँ पर जॉब करनी पड़ रही है। लियोन को फ्रांस बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत रोमांटिक था। लियोन के बॉस का नाम था होमाइस। होमाइस एमा से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, एक चीज है जिसके लिए सिर्फ तुम ही मुझे हेल्प कर सकती हो। उसे किचन में लेकर गया और वहां पर उसका एक एम्प्लॉय था। एक्चुअल में उसके पैर में एक इन्फेक्शन हुआ था, इस पर ऑपरेशन करना बहुत डेंजरस था, इसी वजह से चार्ल्स ने इसके लिए मना कर दिया था। होमास चाहता था कि चार्ल्स इस पर ऑपरेशन करे और वो एमा से कहता कि तुम ही चार्ल्स को मना सकती हो, प्लीज मुझे इस बात के लिए हेल्प कर दो। एमा इस बात के लिए कोई भी प्रॉमिस नहीं कर सकती थी। घर आकर एमा चार्ल्स को घर के सामने की खाली जगह दिखाती है। उसे कहते है कि यहाँ पर हम गार्डनिंग कर सकते हैं, बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीजें हम यहाँ पर कर सकते हैं। चार्ल्स कहता है कि अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हें समर तक वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट दिन में फिर से होमाइस चार्ल्स के पास आया हुआ था। ऑपरेशन किस तरीके से करना चाहिए इसके बुक्स वो लेकर आया था। चार्ल्स अब भी इस बात के लिए जरा मना कर रहा था। इसके बाद होमाइस उन्हें एक जगह पर इन्वाइट करता है। उन्होंने फार्मिंग के लिए एक मशीन बनाई थी जो उन्हें दिखा रहा था। वो कहता है कि यहाँ पर हम इंडस्ट्री स्टार्ट करेंगे जो हमारे टाउन के लिए बहुत बड़ी होगी। यहाँ पर लियोन भी था और एमा से बात करने लग गया। लियोन को पेरिस की याद आ रही थी। एमा उसे उसके बारे में पूछती है तो लियोन ने कहा तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती, वो इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ पर उसे लगता है कि उसका माइंड और सोल दोनों को कुछ भी मिल नहीं रहा। यह सब कहते हुए उसे बहुत ही गिल्टी लग रहा था। एमा कहती कि सबको आउट ऑफ प्लेस लग सकता है, वो जब स्कूल में थी तो जानबूझकर झूठ बोला करती थी, वहां की जैसे नर्स थी वैसे उसे बनना था पर सबको पता चल गया था कि ये लाइफ एमा के लिए नहीं है, इसी वजह से उसकी शादी करवा दी गई थी। लियोन उसे पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर खुश हो,
पर एमा इसका आंसर नहीं दे पाती। वो घर में हमेशा बोर हो जाती थी। एक दिन लियोन उसे मिलने के लिए आया। उसे कहता है कि मेरे साथ वॉक के लिए चलो, तो एमा मान जाती है। उसने एमा के लिए गिफ्ट लाया था, ये पेरिस का मैप था। एमा ने कहा कि जब मैं छोटी थी तो हमेशा ऐसे मैप्स देखकर इमेजिन करती थी कि उस प्लेस में मैं हूँ। उन दोनों की अच्छी सी फ्रेंडशिप हुई और एक दूसरे से वो मिलने लग जाते हैं। लियोन भी जाल्स का फ्रेंड बन गया था, तो हमेशा उनके घर पर कुछ खेलने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए आया करता था। एक दिन वो एमा से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो कहता है कि मुझे लग रहा है कि मैं पागल हो रहा हूँ, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी सोच नहीं पाता, हमेशा तुम्हारी आवाज मुझे सुनाई देती है। एमा ने उसे कहा कि मैं मैरिड हूँ। चार्ल्स कहता है कि तुम मुझे बता दो कि तुम भी मुझसे प्यार नहीं करती। एमा ऐसा कह नहीं पाई। रात भर उसे भी नींद नहीं आती। अगले दिन वो चर्च में जाती है। वो फादर से कहती है कि मुझे मेरी लाइफ में कुछ मिसिंग लग रहा है। फादर कहते हैं कि तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। फादर समझ गए थे कि चार्ल्स उसे ज्यादा टाइम नहीं देता। उसने कहा कि चार्ल्स को भी बहुत काम होते हैं, उसे सही से बिना बात किए ही वहाँ से निकाल देते हैं। रात में चार्ल्स एमा से बात करता है। उसने कहा कि लियोन अचानक से इस टाउन को छोड़ के जा रहा है। अचानक से उसे क्या हुआ इसके बारे में किसी को भी पता नहीं। ये न्यूज सुनने के बाद रात में एमा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उसकी सराउंड उसका ख्याल रख रही थी। एमा उसे कहती कि मुझे लगा था कि शादी के बाद मेरी लाइफ बहुत हैपनिंग हो जाएगी, पर ऐसा कभी हुआ नहीं। यहाँ पर हर एक दिन आकर चला जाता है और इसमें कुछ भी नहीं होता। उसे अपनी लाइफ बहुत ही ज्यादा बोरिंग लग रही थी। एमा को घर में एक बुक मिली जहाँ पर ड्रेसेस की डिजाइन थी। उसे भी वैसे ड्रेसेस चाहिए थे। वो चार्ल्स को कहती है कि बुक बहुत ही फैसिनेटिंग है, अलग अलग प्लेसेस, अलग अलग ड्रेसेस, वो लाइफस्टाइल उसे बहुत ही अच्छी लग रही थी। वो भी चाहती थी कि चार्ल्स के साथ वो एक अलग सिटी में जाकर रहे। चार्ल्स कहता है कि हम किसी सिटी में नहीं जा सकते, वो एक छोटे से विलेज का डॉक्टर है और यहीं पर वो रह सकता है। एक दिन एक ड्यूक उनसे मिलने के लिए आया जिसका नाम था मार्किस। वो चार्ल्स से कहता है कि हम हॉर्सेस की रेस रख रहे हैं, वहां पर हमें डॉक्टर चाहिए होगा। चार्ल्स ने कहा कि मैं संडे पर मेरी वाइफ के साथ होता हूँ, तो मार्की कहता है कि उसे भी लेकर आओ। एमा को ऐसे इवेंट अच्छे लगते थे और इसके लिए एक्साइटेड थी। वो फिर डायरेक्टली हेरोस के पास गए। जैसा ड्रेस उसे पसंद आता था वैसा उसे बनाने के लिए कहा। हेरोस कहता है कि तो बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाएगा, पर एमा कहती है कि तुम मुझे क्रेडिट पर दे ही सकते हो। इसके बाद उस इवेंट पर गए और एमा को वहां पर बहुत अच्छा लगता है। एक दिन एमा ने अपने सर्वेंट के ड्रेसेस नोटिस किया, वो सही नहीं थे, तो कहती कि हेरोस के पास जाकर यूनिफॉर्म बनवा लो। अब वो हेरोस की मदद लेकर पूरे घर को रीडिजाइन कर रही थी। वो एम्बिशियस थी और चार्ल्स को कहती है कि हमें सिटी में जाकर प्रैक्टिस करनी चाहिए, अगर हम एक ही जगह पर स्टक रहे तो प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। एक दिन एमा और चार्ल्स फिर से मार्किस से मिलने के लिए गए। मार्किस उसे एक नोट देता है। एमा ने चार्ल्स से बहाना बनाया कि उसे ठीक नहीं लग रहा, वो घर जाना चाहती है। उसने उसकी नोट पढ़ी तो एक जगह पर उसने उसे बुलाया हुआ था। मार्किस उसे कन्फेस करता है कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। वो एमा के प्यार में पड़ गया था और उसे कन्फेस कर देता है। एमा कहती कि मैं सिर्फ तुम्हारी फ्रेंड बन सकती हूँ। मार्किस को इस बात से गुस्सा आ गया और वहां से चली गई। एक दिन वो एक बहाना बनाकर डायरेक्टली उसे मिलने के लिए आ जाती है। एमा को भी बहुत बुरा लग रहा था, वो जो सैडनेस फील करती है, जो अकेलापन उसे महसूस होता है। मार्किस कहता है कि सारे ऑप्शंस तुम्हारे सामने हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ पर फिर भी इसे एक्सेप्ट करने का करेज तुम में नहीं है। एमा कहती कि मैं यहाँ तक आके। मार्किस फिर उसे किस कर लेता है। इसके बाद से उनका अफेयर स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चार्ल्स ने होमिस के एम्प्लॉय पर ऑपरेशन करने के लिए हाँ कह दिया था। एक दिन मार्किस एमा को कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। नेक्स्ट सीन में चार्ल्स ऑपरेशन करता है। हेरोस कहता है कि ऑपरेशन अच्छे से सक्सेसफुल रहा और सब वो सेलिब्रेट करते हैं। रात में चार्ल्स जरा डर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि ऑपरेशन सही से हुआ नहीं है। चार्ल्स हमेशा उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता है, फिर भी उसने मार्किस के साथ अफेयर किया, इस वजह से उसे बुरा लग रहा था। फिर से मार्किस के पास आ जाती है। वो बार बार सबके सामने आने लग गई थी तो मार्किस कहता है कि इससे तुम डेंजर में आ सकती हो। एमा कहती कि हम कहीं दूर जा सकते हैं, वहां पर हमें कोई भी पहचानेगा नहीं। एमा ने कहा कि अब मैं चार्ल्स के साथ नहीं रह सकती, प्लीज मुझे कहीं दूर लेकर जाओ। मार्किस कहता है कि मुझे जरा टाइम दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब एक रात एमा भागने वाली थी। वो सर्वेंट को कहती है कि चार्ल्स का अच्छे से ख्याल रखना। जब वो वहां से जाने वाली थी तभी उसे मार्किस की एक चिट्ठी मिली, उसे छोड़कर वहां से चला गया था। इसके बाद उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और उसी की तबीयत खराब हो गई। वो बहुत सैड रहने लग गई थी। चार्ल्स ने जो ऑपरेशन किया था वो फेल हो चुका था और वो आदमी सही से चल नहीं सकता था। उसके चलने के लिए हेरोक्स एक फेक लेक लाता है, उसने चार्ल्स को दिया। वो कहता है कि बहुत ही एक्सपेंसिव है। इसी के साथ साथ एमा ने उसके साथ जो भी लोन्स लिए थे इस सब के बारे में वो चार्ल्स को बताता है। ये अमाउंट बहुत बड़ी थी तो चार्ल्स ने इसके लिए उसे टाइम मांगा।
हेरोस कहता है कि ये सारे पैसे तुम्हें जल्द से जल्द देने पड़ेंगे, वरना फिर लॉ को मुझे यूज करना पड़ेगा। एक दिन एक न्यू सिटी में चार्ल्स और एमा को पार्टी के लिए इनविटेशन आया था। इस इनविटेशन के बारे में भी उन्हें हेरोस ने ही बताया हुआ था। वो पार्टी में आते तो यहाँ पर उन्हें लियोन मिला। एक्चुअल में इस सिटी में वो मूव हो गया था। लियोन उनसे कहता है कि क्या आपको यहाँ के कल्चर के बारे में जानने के लिए टाइम मिला है? यहाँ पर अलग अलग एक्टिविटीज होती है जिनमें तुम्हें जाना चाहिए। चार्ल्स इसमें इंटरेस्टेड नहीं था। एमा को लियोन को देखकर बहुत अच्छा लगा था। उसे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाती है और इसके बाद उन दोनों में अफेयर हो गया। एक दिन चार्ल्स के थ्रू एमा को न्यूज मिलती है उसके फादर की डेथ हो गई है। चार्ल्स उसे सहारा देता है। जरा टाइम बीत गया था तो हेरोस उनके घर पर आया। वो एमा से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तुमने मुझसे बहुत सारे लोन्स लिए हैं और चार्ल्स इसे पे नहीं कर रहा। जल्द से जल्द तुम उसे पे करने के लिए कहो, वरना तुम्हारे अफेयर के बारे में मैं उसे बता दूंगा। तुम्हारे फादर की डेथ के बाद सारी लैंड चार्ल्स को मिली है, अब तुम लोग मुझे पे कर ही सकते हो। थोड़े दिन के बाद एमा फिर से खुश होने का ट्राई कर रही थी। ये देखकर चार्ल्स को अच्छा लगता है। लियोन तो दूसरी सिटी में रहता था तो उसे मिलने के लिए एमा को एक बहाने की जरूरत थी। उसे कहती कि मैं अच्छे से पियानो बजा नहीं रही, अगर मैं जरा लेसन्स लेती हूँ तो बहुत अच्छा होगा। चार्ल्स इस बात के लिए मान गया और लियोन की सिटी में आने की उसे परमिशन मिल जाती है। अब इसके बाद वो दोनों उनका अफेयर कंटिन्यू करते हैं। एक दिन चार्ल्स ने एमा से बात की। वो कहता है कि हेरोस ने मुझे बिल भेजा है, तुमने जितना स्पेंड किया है उतने वैसे हमारे पास पे करने के लिए है ही नहीं, इतना तुम स्पेंड कैसे कर सकती हो? एमा ने कहा कि ये सब पैसे मैंने घर पर ही स्पेंड किया है, मैंने इसमें कुछ भी गलत नहीं किया है। अगले दिन एमा हेरोस से मिलने के लिए गई। उसे कहती कि प्लीज मुझे जरा टाइम दो। हेरोस कहता है कि तुम्हारे पास अभी अभी न्यू प्रॉपर्टी आई है, इसे तुम सेल कर दो और तुम मुझे पे कर ही सकते हो। एमा ट्रबल में आ गई थी और चार्ल्स से मिलने के लिए आती है। चार्ल्स के ऑफिस में पहुंच गई थी तो चार्ल्स उसे बाद में मिलने के लिए कहता है। उन दोनों में थोड़ा सा झगड़ा हो गया। एमा कहती कि तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे। लियोन कहता है कि तुम ऑलरेडी मैरिड हो। एमा को इन बातों से बहुत बुरा लगता है। अगले दिन वो फिर से उसे मिलने के लिए आ गई। लियोन कहता है कि इस तरीके की मेरी काम की जगह पर तू मुझे मिलने के लिए नहीं आ सकती। और इसके बाद उसे मिलने के लिए उसे मना कर देता है। लियोन का बॉस भी वहां पर आ गया था तो एमा को बाहर निकाल देता है। घर पर आकर उसने देखा तूने एक लीगल नोटिस आई थी। हेरोस को पैसे पे नहीं कर पाए थे और इसी वजह से उनका वो घर ले रहा था। एमा हेरोस के पास आए, उसे कहती कि प्लीज हमें कुछ ना कुछ तो हेल्प करो। हेरोस कहता है कि अमाउंट बहुत बड़ी है, मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर सकता, शायद अपने फ्रेंड से तुम पूछ सकती हो। ये फ्रेंड और कोई नहीं तो मार्किस था। एमा फिर डायरेक्टली मार्किस के पास आ जाती है। उसे कहती कि मैं बहुत बड़े ट्रबल में हूँ, प्लीज मुझे कुछ पैसे लोन दे दो। मार्किस कहता है कि मैं खुद पैसों के जरा ट्रबल में हूँ, मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर सकता। एमा ने कहा कि तुमने मुझसे प्यार का प्रिटेंड किया और इसके बाद मुझे छोड़कर चले गए। इस बात से उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो घर पर वापस आए और उसके फादर ने उसे जो वेडिंग गिफ्ट दिया था वो लेकर जाने लग गए। चार्ल्स उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानती। वहरा उसके पास आती है और वो सेल करना चाहती थी। हेरोस कहता है कि इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। वो अपने घर की सारी चीजें उसे वापस करने के लिए रेडी थी पर इस बात के लिए नहीं मानता। फाइनली अब उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था तो खुद को प्रेजेंट करती है। उसके साथ रात बिताने के लिए रेडी थी पर हेरोस इस बात के लिए भी उसे मना कर देता है। एमा ने जो भी किया था इन सारी बातों की वजह से उसे बहुत बुरा लगने लग गया। चार्ल्स तो डॉक्टर था तो उसके मेडिसिन और कुछ पॉइजनस चीजें घर में पड़ी हुई रहती थी। वो एक बॉटल लेती है और फॉरेस्ट में जाकर इसे पी लेती है। वहीं पर नीचे गिरकर उसकी डेथ हो गई। अपनी लाइफ में एक्साइटमेंट ढूंढने के लिए अलग अलग चीजें वो करती रही पर किसी भी चीज में उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला और फाइनली उसे पछतावा होता है और इसी वजह से वो सुसाइड कर लेती है। फाइनली अपनी गलतियां उसे रियलाइज हुई थी पर तब तक बहुत लेट हो चुका था। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज से लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दोनों मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।